बीबीसी हिंदी फेसबुक लाइव में मैं हूँ एक बार फिर से इंदु पांडे, और आज हमारे साथ हैं के मेनन, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, और दूसरे हैं कुशल श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी कुशलता दिखाई है वोट का डायरीज बना करके। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी हिंदी में। तो पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगी कि वो करे और भी ये क्लब की कहानी है वोडका डायरीज, जिसके आसपास मर्डर्स हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, तो पूरी फिल्म उसी क्लब पे बेस्ड है, इसलिए इसका नाम वोडका डायरीज। ओके, कुशल तो काफी नए हैं, काफी क्या बिल्कुल ही नए हैं, और आप तो पुराने तो नहीं है लेकिन कुशल के लिए काफी थोड़े से अनुभवी हैं। तो जब इस तरह की जुगलबंदी होती है तो फिल्म सेट पे कैसा माहौल होता है? इनफैक्ट मैं पसंद करता हूँ नए लोगों को काफी, क्योंकि वो एक नया दृष्टिकोण लेकर आते हैं। कुछ कुछ नई चीज़ें, कुछ कुछ स्टूपिड चीज़ें भी होती हैं, भी होती है सारी, तो थोड़ी होते हैं ना जो वही चीज़ें करते रहते हैं, उससे मैं थोड़ा बोर हो जाता कभी कभी, बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी ऐसा मैं कह रहा हूँ। बट मज़ा आता है मुझे नए लोगों के साथ काम करके। इनफैक्ट बहुत सारे हैं जो अभी बड़े हो गए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अनुराग कश्यप, ही वॉज न्यू जब मैंने मेरे साथ काम किया, ऐसे बहुत सारे हैं। और वोडका डायरीज इज अ स्क्रिप्ट विच आई पर्सनली लाइक्ड वेरी मच, बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, इट्स ऑल्सो ह्यूमन स्टोरी। ओके, तो बड़ा कॉम्बिनेशन, बड़ा मतलब ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको प्लॉट पता चल गया फिल्म ख़त्म, ऐसा नहीं है। आप कुछ कुछ चीज़ें घर ले जाएंगे क्योंकि एक ह्यूमन स्टोरी है उसके पीछे। और वोडका डायरीज एक क्लब है, आजकल तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ क्लब चलता रहता है, 1000 करोड़ भी हो गया आजकल। बट हमारे पास एक बहुत ही उम्दा क्लब है कॉल्ड वोडका डायरीज क्लब, और हम आपको इनवाइट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। तो इस फिल्म का ट्रेलर देख रही थी मैं, ट्रेलर काफी पहाड़ और काफी स्नो उसमें दिखाया गया है, तो वो बॉम्बे का है कि कहीं और का है वो? अरे भाई, हम ऐसा चीटिंग नहीं करते, ना ही एक्टिंग में ना फिल्म मेकिंग में। मुझे लगा कि शायद नमक वमक डाल के पहाड़ बना दिया होगा। कोई फेक नहीं होता है हमारे इसमें, तो वो बिल्कुल मनाली है। अब मनाली के ऊपर गए थे हम लोग रोहतांग वगैरह, तो बहुत पसीना बहाया है बर्फ में हमने, तो प्लीज ऐसा मत कहिएगा कि वो नकली है वगैरह। तो ऐसे भी इंटीरियर्स भी सारे रियल लोकेशंस हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आउटडोर गए तो बाहर बाहर का वहां कर लिया और कमरे के अंदर का जो है वो बॉम्बे में आके कर लिया, बट हमने वहाँ के रियल लोकेशंस में जाके, जो एसीपी का घर है वो एक्चुअल में वहाँ किसी का बंगलो है जो हमने रेंट पे लिया और एसीपी का घर बना है। अच्छा अच्छा जी। तो आपका एक डायलॉग है इसमें, मर्डर भी एक आर्ट है, ये किसका लिखा हुआ है? क्राइम में भी आर्ट है, क्राइम में भी आर्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आपने ट्रेलर में बोला है कि क्राइम भी एक आर्ट है। हाँ, मैंने भी सुना है कि मैंने बोला है, पर एस के की मैंने सुन रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, शायद अश्विनी दीक्षित ने बोला हो। अश्विनी दीक्षित ने बोला एक्चुअली, बहुत सारा मिल के लिखा हुआ है, तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि ये कैसे लिखा है, किसने लिखा। ओके, अच्छा कुशल के बारे में हम बता दूं कि कुशल राजू श्रीवास्तव के रिश्तेदार हैं, ये खुद ही बताएंगे कि राजू श्रीवास्तव आपके क्या लगते हैं? मेरे सगे चाचा हैं। तो इनसे उम्मीद की जाती होगी कि आप कुछ कॉमेडी करके दिखाएंगे, और पहली फिल्म ऐसी लेकर के आ गए जो थोड़ी मर्डर पे बेस्ड है। मैं थोड़ा रेगुलर से हटके करना चाहता था, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जो भीड़ से अलग दिखेगी लोगों को, और बहुत अच्छी कहानी है तो लोग पसंद भी करेंगे, और इतनी मेहनत से बनाई है कि लोग जरूर नोटिस करेंगे इस चीज को कि बहुत डेडिकेशन के साथ फिल्म बनाई है। ओके, अच्छा क्योंकि मैंने, आपकी काफी ऑडियंस है, आप कैसी भी पिक्चर में आते हैं लोग देखने आते हैं आपको, तो वोडका डायरीज में आप अपनी ऑडियंस को क्या लुभावनी चीज बताना चाहेंगे कि देखिए ये है तो आप फिल्म देखने आ सकते हैं? हर बार अगर मैं कारण हूँ फिल्म देखने का, तो इसमें मैं भी हूँ, तो ये एक कारण हो गया। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप नहीं आएंगे ना, तो एसीपी अश्विनी दीक्षित आ जाएंगे। तो सीरियसली स्पीकिंग, बहुत अच्छी फिल्म बनी, और गुड सिनेमा जो होता है ना, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मानसिक सेहत के लिए, दिमागी सेहत के लिए, संपूर्ण आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कृपया करके आके देखिएगा 19th of January 2018, अगले साल नहीं, इसी साल में, अभी इधर प्लीज आके देखिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फिल्म का क्लैश नहीं हो रहा पद्मावती या पद्मावत के साथ। क्लैश तो खैर ऐसा है ना कि क्लैश उनका होता है जो
पद्मावती का नाम पे आप भी कुछ रिएक्शन दे सकती है वैसे? मैं वोटका डायरीज ही रहेगी, सेंसर से अप्रूव हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज आइए, उसमें इनके बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। वोटका डायरीज क्लब में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसमें वो थोड़ा सीरियस हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रायमा से इन चैलेंज कर रही हैं, और जब घर पे आते हैं तो रायमा के साथ जो उनकी वाइफ मंदिरा जी के साथ जो उनकी वाइफ प्ले कर रही है उनके साथ एक बड़ा पोएटिक रोमांटिक रिलेशनशिप है। उनके असिस्टेंट हैं जो शारिब हाशमी, तो वो कॉमिक की चीज़ें भी बीच बीच में करते रहते हैं, तो उसको भी वो सटल उसको रिस्पॉन्स देते हैं जिसमें मज़ा आता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे शेड्स आपको उनके देखने को मिलेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, क्योंकि मैं आपकी बारे में पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो आप कहते हैं कि एक्टर और स्टार में फ़र्क होता है, और आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो काफ़ी लंबा समय हो गया हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी से लेकर के अब तक का, तो कैसे इसको आप डिस्क्राइब करेंगे? एक्टर जो है ना, एक्टर या कोई भी आर्ट फॉर्म को जो करता हो वो पैदाइशी होता है, पहले सबसे पहले ही इज बॉर्न फर्स्ट। अ स्टार इज नॉट बॉर्न, स्टार इज ऑलवेज मेड, है ना। नोबडी इज बॉर्न लाइक अ स्टार, हु नोज। स्टार को बनाना पड़ता है आपको, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जब ना हो तो आप स्टार बनना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बन जाते हैं, अलग बात है, बट एन आर्टिस्ट, एन एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, देर ऑल बॉर्न फर्स्ट। सो आई बिलीव आई एम बॉर्न विद दैट आर्ट एंड हेंस आई एम एन एक्टर, बट द जर्नी हैज़ बीन क्वाइट गुड, नो कंप्लेंट्स, एंड इवन इफ आई हैव कंप्लेंट्स आई कीप इट टू माई सेल्फ। ओके, सो या इट्स बीन अ नाइस जर्नी एंड पीपल हैव बीन नाइस टू मी। इट्स जस्ट दैट आई वुड रादर दैट वो लोग फिल्मों को तब देखे जब थिएटर में आता है, ना कि 5 साल के बाद यूट्यूब पर देख करके बोला अरे क्या परफॉर्मेंस दिया है, अरे आई रिमेम्बर दैट लाइन यार, ये लाइन बजा दे। वो थिएटर में जब आई थी फिल्म तब क्या हुआ था, कहाँ थे आप, हैं? तो अब जो है मैं घुस गया हूँ सोशल मीडिया में, मैं आ गया हूँ, तो अभी कोई चारा नहीं, तो अभी मैं आपके वहीं आ चुका हूँ, तो आप अभी जो है वोडका डायरीज प्लीज़ थिएटर में जाके देखिएगा, बिकॉज 5 साल के बाद मत बोलिए कि अश्विनी दीक्षित का किरदार वो लाइन जो था आपने बोला ना, वो मत कहिएगा, थिएटर में जाकर के देखिएगा और तुरंत मुझे नेक्स्ट डे बोल दीजिएगा ये बात। तो कुशल, इसमें कुछ कानपुरिया रंग भी देखने को मिलेगा क्या? नहीं, कानपुरिया तो नहीं है। हाँ। मनाली की कहानी है, तो वहाँ की सब चीज़ें, पहाड़ हैं, बहुत टफ कंडीशंस में शूट हुआ है, वहाँ पे -8 -10 डिग्री सेंटीग्रेड में था, बहुत बर्फ है, और जो लोकेशंस है वो बहुत रियल है। नहीं तो पहली फिल्म थी तो इतना मुश्किल सब कुछ क्यों आपने सोचा, क्योंकि लोग पहली फिल्म में थोड़ी सी अपने लिए आसानियां रखते हैं। आसान काम तो सब लोग कर लेते हैं, कठिन होगा तभी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये कुछ अच्छा हुआ है, तभी लोग, मैं एक बार लोग देखेंगे तो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि ये फिल्म जरूर देखो। ओके, तो वैसे तो ये अनुराग कश्यप के शिष्य हैं, सेट पे ये कितने कठिन और आसान रहे? नहीं नहीं, बहुत ही कूल है, इनफैक्ट कोई भी चीज़ का टेंशन लेते ही नहीं, सो विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज एक्टर्स रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ बाउंसिंग बोर्ड। अगर सभी लोग चिल्लाने लगे तो गड़बड़ है फिर वो, सो ही इज़ वेरी कूल दैट वे। तो इस फिल्म में हीरोइन का कितना स्कोप है? हीरोइन का बोले मंदिरा इज वन, रायमा इज द अदर, सो देयर आर टू। तो गाने भी हैं इसमें? गाने सब बैकग्राउंड स्कोर में है, नॉट नोबडी इज लिप सिंकिंग एनीथिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि वाकई काफ़ी चैलेंजिंग एक टास्क रहा है। जो अभी जो गाना परसों रिलीज हुई, लॉन्च हुई है, बहुत ही सुंदर गाना है, मतलब रेखा भारद्वाज एंड उस्ताद राशिद खान, सखी रे, सो यू शुड लिसन टू द सॉन्ग, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी सोलफुल, वेरी नाइस, तो ऐसी हमारी फिल्म भी है। ओके, चलिए अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान्स की, तो आप तो बहुत नए हैं, तो अभी इस फिल्म के बाद क्या लाइनअप है आपके लिए? कई सारे सब्जेक्ट्स में वन लाइनर्स और कुछ लिख के रखे हैं, तो अभी फाइनल नहीं किया है कि कौन सा करेंगे, जब एक फिल्म रिलीज हो जाएगी तब उसमें से एक को उठा के फिर और डिटेल काम करेंगे, फिर तैयारी करेंगे। ओके, और मैंने नाम के लिए, मेरे लिए कैप निकालो ही, हाँ। मैं वन स्टेप एट अ टाइम, आगे का जो भी है मैं खास रिवील नहीं कर सकता, लेकिन इतना है कि आई वॉन्ट वॉटका डायरीज टू डू वेरी वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इन टू इट, एंड once that is done then I will know whether or not to give you further good cinema if you know you have to patronize this cinema. Okay, अरे देखिए एक लंबी सी लिस्ट लेके मेरे साथी मेरे पास खड़े हैं, प्लीज आ जाओ, क्या क्या लेके आए हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आपसे गुलाल का डायलॉग जानना सुनना चाहते हैं, तो आप अगर एक डायलॉग सुना पाए गुलाल का, कोई सा भी, जो भी आपको याद हो। मैं
मैं एक बात बोलूं, मैं एक इम्प्रेशनिस्ट एक्टर हूं, मैं डायलॉगिंग नहीं करता, इसीलिए जब मैं अभी कोई भी चीज़ बोलूँगा वो अलग रहेगा. जब जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मेरे पास मरणोपरांत जो है ना, मुझे डायलॉग्स के लिए नहीं जानेंगे लोग, परफॉर्मेंसेस के लिए जानेंगे. तो ये फ़र्क होता है, तो क्योंकि मैं, मेरे पास ऐसी कोई लाइन नहीं कि अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि मैं जब कहूँगा तो मैं कहूँगा अरे सांबा कितने थे रे, ये होगा. तो इसका क्या मैं डायलॉग करूँ, तो वो डायलॉग मुझे याद भी नहीं होंगे क्योंकि मैंने उस लय में कभी बुला ही नहीं था. तो इसीलिए डायलॉगिंग जो है उसकी अपेक्षा मुझसे मत करना, लेकिन परफॉर्मेंसेस का डेफिनेटली. ये कुछ ऐसे ही हो गया कि किसी गीत गायक को अपने घर बुलाया, कहते थोड़ा सा गा के बता दीजिए. नहीं, इसमें एक चीज और थी कि जैसे आपने परफॉर्मेंस की बात करी तो आप हैदर के चाचा जान थे, तो उसमें एक डायलॉग था कि आप आंखों में आंखें डालकर बदला लेना था. तो जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस दौरान कभी आपके साथ ऐसा मौका पड़ा कि किसी ने आंखों में आंखें डालकर कुछ बोला हो एक्टिंग के दौरान, किसी डायरेक्टर ने या किसी राइटर ने? मजाक में? मजाक में या सीरियसली? सीरियसली भाई. सीरियसली मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कोई? वही सवाल है. ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा हो सकता है. आपको लग रहा है क्या? है, देखिए तो सही लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. बीबीसी हिंदी फेसबुक लाइव, और इनकी फिल्म आने वाली है वोद का डायरीज, जिसके बारे में आपने काफी कुछ बताया. कोई ऐसे सीक्रेट भी है इस फिल्म के बारे में जिसको हम बता सके अपने ऑडियंस को, तो वो उसको ढूंढती हुई आए उस वहां पे, लाइक दीक्षित मेनी अदर कॉप आई हैव प्लेड, सो आई एम प्लेइंग वन अश्विन दीक्षित. बहुत रिहर्स किया, उसकी वजह से फिल्म इतनी अच्छी बन पाई कि हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि इनकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए. ये तो एकदम ट्रीट करते हैं, कभी ऐसे बिहेव नहीं करते कि इतने एक्सपीरियंस और इतना लंबे कद के हैं, ये कभी बिहेव नहीं करते वैसे कि और रियली आप लंबे. ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा. और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस को? नहीं, बस मैं इतना है, मेरी दरखास्त है कि आप लोग आकर देखिए इस फिल्म को 19th of January, वोद का डायरीज. हम लोगों को बड़ी खुशी होगी और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसी फिल्में आपको पेश करें, लेकिन आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसा नहीं कि हम लोग करते रहे आप देखे नहीं, है ना, तो प्लीज़ आके देखिएगा. थैंक यू. प्लीज़ फिल्म देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाई, अगर नहीं देखा तो अश्विनी दीक्षित आपके घर में आ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. बीबीसी हिंदी फेसबुक लाइव में फिलहाल इतना ही.